नमस्कार बच्चों, देखिए नया साल आ गया तो सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस नए साल में खूब उन्नति करें और अच्छे अंकों से पास हों। इसके साथ ही अब हमारा शुरू करते हैं। काफी दिनों बाद क्लास हो रही है, फिर भी देखिए अध्याय 11 चल रहा है हमारा ध्वनि। और इस ध्वनि में हमने ध्वनि के गुण पढ़ लिए थे, ध्वनि का परावर्तन भी पढ़ लिया और इसका इको भी हमने पढ़ ली, प्रतिध्वनि। और एक शब्द पढ़ा था हमने अनुरणन। दो शब्द हो गए हमारे, एक तो प्रतिध्वनि और एक अनुरणन। अनुरणन दो शब्द हमने पढ़े और इनके बारे में समझा भी, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा कुछ ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। बहुल परावर्तन मतलब ध्वनि का लगातार, मतलब एक बार परावर्तन, दोबारा परावर्तन, त्रिबार, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लो आप। प्रतिध्वनि और अनुरणन। प्रतिध्वनि में क्या होगा, जब ध्वनि स्रोत एक ही हो। अगर ध्वनि स्रोत एक है, जैसे मैंने एक स्रोत बनाया और इस स्रोत से जो ध्वनि निकलेगी और ये ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस श्रोता को सुनाई देती है। यहां पर श्रोता है मान लो, और यहां से ध्वनि गई, इससे टकराई और टकरा करके वापस आई और श्रोता को सुनाई दी, तो ये तो होगी उसकी प्रतिध्वनि। और अनुरणन में क्या होगा कि कई सारे स्रोत होंगे, ध्वनि स्रोत एक से अधिक होंगे। एक ध्वनि स्रोत यहां है, एक ध्वनि स्रोत यहां लगा हुआ है और इन सब से ध्वनि जा रही है और वो परावर्तित होकर आ रही है और श्रोता को सुनाई दे रही है, तो वो कहलाएगा अनुरणन। तो प्रतिध्वनि तो एक ही स्रोत के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होगी और वो परावर्तक सतह से टकरा करके दोबारा सुनाई देगी, तो वो तो कहलाएगी प्रतिध्वनि। और अनुरणन में भी वही हो रहा है, यहां भी ध्वनि परावर्तित हो रही है लेकिन यहां स्रोत एक से अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन। बहुल परावर्तन का मतलब है एक लगातार परावर्तन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद परावर्तन होते हैं। इसके उपयोग, तो इसके उपयोग के लिए देखो कि एक तो जो वो है अपने ध्वनि को उत्पन्न करने वाले यंत्र, ध्वनि को उत्पन्न करने वाले यंत्र जैसे लाउड स्पीकर हुआ और भी कोई स्पीकर हुआ, वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसकी ध्वनि चारों ओर फैल जाए। देखो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर आगे से इस तरह से होता है और पीछे से यूं सकड़ा होकर के, और यहां पर उसमें एक मैग्नेट का बना हुआ ध्वनि उत्पादक यंत्र लगा रहता है। यहां से ध्वनि तरंगें जाती हैं और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाती हैं। इससे क्या होगा कि यहां इसके सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को उसकी ध्वनि सुनाई दे जाए, या फिर कहीं कोई इधर परावर्तक सतह है, मान लो यहां कोई, यहां से ध्वनि गई और परावर्तित होकर के ऐसे चली गई, तो इसके पीछे बैठा हुआ है उसको भी ध्वनि सुनाई दे जाए। ऐसा ना हो कहीं पीछे बैठा उसको सुनाई नहीं दे। तो इस तरह से ध्वनि के जो यंत्र बनाए जाते हैं, इसके लिए देखिए आप ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के लिए आप एक वीडियो देखिए। पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये देखिए यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब ये डॉक्टर है, ये इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिससे ये कानों में लगा के सुन रहा है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। यहां से ध्वनि, अब इस स्टेथोस्कोप में ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है, ध्वनि लगातार परावर्तित होती है। देखो यहां से ध्वनि उत्पन्न, अब ध्वनि का परावर्तन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हम। ये वीडियो अमृता के सहयोग से लिया है हमने, यहां से गया और ये ध्वनि यहां से परावर्तित हो गई। ये हम पहले ही इसको देख चुके थे, पहले ही पढ़ चुके थे ध्वनि का परावर्तन। ये अभिलंब हमने बनाया, यहां थीटा वन थीटा टू, और दोनों मान कैसे होंगे परावर्तन, आपतन कौन और परावर्तन कौन। अब ये देखो हमने एक पाइप ऐसे लगा रखा है और यहां से जोड़ करके इसको ऐसे लगा दिया। अब यहां हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे, इस घड़ी के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद यहां पर जब था ध्वनि हमें थोड़ी सी कम सुनाई दी, लेकिन जैसे हम इधर इसको लेके जाएंगे, आगे मैं इसको घुमाऊंगा, आगे घुमाते ही मुझे इसकी ध्वनि अधिक सुनाई देने लग जाएगी, ठीक है। ये ध्वनि का रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट वे आने वाली और ये परावर्तित। अब देखो जो अभी हम बात कर रहे थे प्रतिध्वनि की, यहां ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और सामने एक बहुत बड़ा परावर्तक है, ध्वनि गई सतह से टकरा करके वापस इसी व्यक्ति को सुनाई दी, ये इको होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो भी टाइम लग रहा है
वो टाइम हमने ले लिया तो 0.1 सेकंड, 0.10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड का समय। हमने ये इसको पहले भी समझा था कि वो जो समय होना चाहिए वो 0.1 सेकंड के बराबर होना चाहिए उसके आने और जाने का। और ध्वनि का वेग हम मान लेते हैं वायु में 340 होता ही है, 340 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो जो दूरी है मिनिमम दूरी वो हमें यहां पता चल जाएगी कि मिनिमम कितना हम डिस्टेंस पर इसमें रहना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनाई देने, देखो ध्वनि का बहुल परावर्तन हो रहा है, बराबर बराबर इधर से परावर्तित हुई, यहां से हुई, पीछे से हुई, ऊपर से हुई और इस व्यक्ति को सुनाई दी, यहां से भी सुनाई दी श्रोता को। ये देखो अब ये होता है ध्वनि का रिब्रीवेशन अनुरणन। देखो यहां इको सिर्फ एक बार ही हो रहा है, रिब्रीवेशन में इधर से चार तरफ से, देखो ये यहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इससे भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, बार बार परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिब्रीवेशन हो गया मतलब अनुरणन और उसका इको प्रतिध्वनि। इससे बचने के लिए करते क्या है कि ध्वनि अवशोषक सतह लगाई जाती है, जैसे जो सिनेमा हॉल होता है वहां ध्वनि को अवशोषित करने वाले पदार्थ लगाए जाते हैं जिससे ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे जाए, अनुरणन ना हो। ठीक है, ये देखिए ये स्टेथोस्कोप और ये जो वक्राकार, ये इसका अगला हुआ है, देखिए ये जो बड़े हॉल होते हैं उनकी सतह कैसी बनी होती है, वक्राकार बनी होती है। अब देखिए इसमें ये बहुल परावर्तन, यहां से परावर्तन लगातार परावर्तित होती जा रही ध्वनि, ये बहुल परावर्तन के उपयोग हो गए। इस तरह से बहुल परावर्तित हो के ध्वनि और डॉक्टर के कानों तक उसको सुनाई दे जाती है। तो इसका तो स्कोप हो गया, हॉल सिनेमा हॉल कंसर्न हॉल की छतों के कैसे बनाई जाती है, वो वक्राकार बन जाती है, उसका भी यही बहुल परावर्तन का उपयोग है वहां पर भी। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां से इधर चली गई, ये बड़ा परावर्तक सतह है, यहां पर ये आई 17 मीटर जो न्यूनतम दूरी हम मान रहे थे, ये अनुरणन है, बार बार हो रहा है, बार बार परावर्तित हो रही है ध्वनि। ठीक है, ये इको है प्रतिध्वनि, एक बार यहां से जा रही है और वापस परावर्तित हो रही है वो ध्वनि, इस तरह से ध्वनि परावर्तित है, रिफ्लेक्टेड वेव्स और ये इंसिडेंट वेव। तो ये आपने देखा यहां तक, अब इनको देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो लाउड स्पीकर, सहनाई और इस तरह से ध्वनि के जो वाद्य यंत्र हैं जो ध्वनि का विस्तार करते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि उनकी ध्वनि चारों तरफ फैल जाए। दूसरा, डॉक्टर के द्वारा जो काम एक यंत्र काम में ले जाता है जिसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ये क्या काम आता है कि उसकी हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन वो नियमित है या नहीं उसको सुनने के लिए, या उसकी जो रक्तचाप है, रक्तचाप में हृदय की धड़कन होती है उसको यहां से भी सुना जा सकता है, हाथ में यहां लगा के भी सुन लेते हैं वो कई बार, क्योंकि यहां होगा तो रक्तचाप उसका यहां पर भी असर होगा और यहां हृदय पर लगा के तो सुनाई जाता है। तो रक्तचाप उसका ठीक से है नहीं, ठीक प्रकार से है नहीं, कोई रक्तचाप में कोई समस्या तो नहीं है। और तीसरा है, जो बड़े कंसर्न हॉल होते हैं सिनेमा हॉल कंसर्न हॉल, उनकी छत वक्राकार बन जाती है। अगर छत वक्राकार होगी तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने ये एक सिनेमा हॉल की छत के मैंने बनाया, इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, अब यहां पर श्रोता बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं और यहां पर क्या है, स्क्रीन चल रही है सामने, यहां से टीवी यहां से चल रहा है स्क्रीन और यहां से बैठ के ये देख रहे हैं। अब जो ध्वनि उत्पादक यंत्र है उनसे कोई ध्वनि ऐसे गई तो वापस कहां यह परावर्तित हो जाएगी, इधर से कोई ध्वनि सीधा इधर परावर्तित, इधर ध्वनि इधर परावर्तित, तो इससे क्या होगा कि जो ध्वनि इधर उधर नहीं जाएगी उसका क्या होगा, फैलेगी नहीं और वो सीधी श्रोता तक आके सुनाई देगी और उनको स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे जाएगी। तो ये भी किस लिए किया जा रहा है कि जो श्रोता है उनको, जो दर्शक बैठे हुए हैं उनको ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाए। ये तो था बहुल परावर्तन के उपयोग। अब अगला आता है ध्वनि की परास। देखो जो ध्वनि है उत्पन्न, जो ध्वनि होती है ऐसा नहीं है कि वो सभी प्रकार की ध्वनि सुनने योग्य हो, तो ध्वनि की एक परास के लिए एक रेंज बनाई गई, एक स्केल बनाया गया। देखो क्या बनाया गया,
इसके लिए बनाया कि 20 हर्ट्ज से, इसकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये एक रेंज बना ली हमने यहां से लेकर के यहां तक। ये जो ध्वनि थी, ये ध्वनि होती है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य का मतलब अगर ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि है तो वो हमें सुनाई देगी। अब अगर 20 हर्ट्ज से कम है, इससे कम है, वो सुनाई नहीं देगी, और इससे अधिक है वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। तो कितने हमने इसकी कितनी रेंज बना ली? तीन रेंज बना ली। ये सुनाई नहीं देने वाली, ये भी सुनाई नहीं देने वाली, और ये जो बीच की ध्वनि है ये हमें सुनाई देती है। इसकी आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो हमने तीन भागों में बांट लिया इसको, एक श्रव्य, एक अपश्रव्य और एक पराश्रव्य। तो इसको तो बोलते हैं हम पराश्रव्य इधर वाली को, और इसको बोलते हैं अपश्रव्य, और ये बीच वाली कौन सी हो गई? श्रव्य ध्वनि। तो तीन भाग हो गए, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, अपश्रव्य ध्वनि कौन सी होगी? जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होगी। पराश्रव्य जो 20,000 हर्ट्ज से, इसको इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, वही इसका मतलब वही होता है 20,000 हर्ट्ज। तो बोलता आप इसको बनाए, फिर हम आगे इसके बारे में और लिखेंगे। चलो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं श्रव्य ध्वनि। सबसे पहले श्रव्य ध्वनि, इस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज, एच जेड, हर्ट्ज को शॉर्ट में लिखेंगे एच जेड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, यह हमें सुनाई देती है। अतः इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उदाहरण देखिए इसके, या इसके स्रोत, जितने भी वाद्य यंत्र हैं जिनकी ध्वनि भी सुनाई दे जाती है, जैसे बॉयलिंग हुआ, बॉयलिन, और फ्लूट बांसुरी की ध्वनि निकल रही है, वायु स्तंभ की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो सभी वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि, मतलब जो हमें सुनाई दे जाए, जिस यंत्र से निकलने वाली ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, वो श्रव्यता के परास में आएगी और उसके स्रोत भी वही होंगे। जैसे मोबाइल की रिंगटोन, मोबाइल की रिंगटोन क्या हमें सुनाई दे जाती है, तो उसकी परास भी क्या है? इसी आवृत्ति की परास है जो हमें है। और श्रव्यता की न्यूनतम परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज। और श्रव्यता की अधिकतम परास कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज। तो ये दोनों रेंज भी आपको ध्यान रखनी है, अधिकतम परास और न्यूनतम परास। तो ये स्रोत भी इसका आप लिख लें, इसके बाद चलेंगे आगे।
चलिए दूसरा है अपश्रव्य, ध्वनि की परास। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, इससे हमें जगह मिल जाएगी। अपश्रव्य, अब बताइए इसकी आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति मैंने हटा दी, फिर भी आपको पता रहना चाहिए, ये बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको यहीं पर ही, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, बस यह किलो ही तो लगाना है। इसकी परा, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तथा यह है सुनाई नहीं देती। स्रोत, भूकंप के समय इसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से, भूकंप के समय और ज्वालामुखी विस्फोट से, दोनों से ही इसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। और तीसरा आता है पराश्रव्य ध्वनि, इस ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, 20 किलो हर्ट्ज एच जेड, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, उससे जो मैक्सिमम आवृत्ति थी श्रव्यता की, जो अधिकतम परास थी उससे अधिक अधिक होती है तथा यह ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। आप नोट कर लें, स्रोत, देखो चमगादड़, चमगादड़ समझते हो आप, चमचेड़ जब वो उड़ती है ना तो इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है, और कुछ कीट पतंगे भी इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, और जो समुद्र में सबमरीन चलते हैं, पनडुब्बी चलती हैं, उनकी स्थिति पता करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके दोनों स्रोत लिख लें आप, चमगादड़, कीट पतंगे आदि इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब कुछ इसके पराश्रव्य ध्वनि के कुछ उपयोग पढ़ेंगे हम, लेकिन वो उपयोग देखेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
फिर स्वागत है आपका। देखिए अभी हमने बात करी, यहां से मैंने एक रेंज बनाई 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक। और इसको मैंने कहा था श्रव्य ध्वनि, तो मैंने उसका अंग्रेजी नाम लिख दिया यहां पर, क्योंकि अभी हम एक वीडियो देखेंगे उस वीडियो में अंग्रेजी नाम यूज होगा, तो यहां आपको मैं उसको पहले ही फेमिलियर कर देता हूं। और इससे पहले वाली ध्वनि को हमने कहा था अपश्रव्य ध्वनि, और इसके बाद वाली ध्वनि को हमने कहा था पराश्रव्य ध्वनि। और इसमें हमने यह भी देख लिया था कि ये भूकंप और जो विस्फोट हो रहे थे, जो ज्वालामुखी के विस्फोट वहां उत्पन्न हो रही थी, ये भी सुनाई नहीं देती है, ये चमगादड़, कुछ कीट पटंगे, और कुछ मेडिकल में भी इसका यूज हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज हो रहा है, कुछ फिजिक्स में, भौतिकी में भी इसका काम आता है। जैसे कोई ऐसे यंत्र है, कोई ऐसा उपकरण जिसको हम आसानी से साफ नहीं कर सकते, तो वहां पर ये पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा उसको साफ, क्या क्या उसके उपयोग हो सकते हैं वो अभी देखेंगे। और ये पराश्रव्य ध्वनि, तो इसको तो हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड नाम सुनते आपको एक चीज ध्यान आई होगी, यूएससी होती है सोनोग्राफी, तो वहां मेडिकल के क्षेत्र में काम आता है, सोनोग्राफी में यही ध्वनि काम आती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली सुनाई देती है हमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड अपश्रव्य, ये भी सुनाई देती, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य, ये भी सुनाई नहीं देती, और ये होती है श्रव्य ध्वनि ऑडिबल साउंड, इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, जो हमें सुनाई दे सकती है, जिसको हम सुन सकते हैं। अभी हम इसके उपयोग देखेंगे, इसके उपयोग क्या क्या है। तो मैंने बताया चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, भौतिकी के क्षेत्र में यंत्रों को साफ करने, ऐसे यंत्र जिनको साफ, एक इसका बहुत बढ़िया उपयोग देखो, कोई एक लोहे का बड़ा गर्डर बनाया गया, गर्डर होती है जो लगाते हैं अपन छत में, जिसके ऊपर पट्टी रखते हैं, वो गर्डर बनाई गई, हमने गर्डर बोलते हैं जिसको, और उसमें या पुल बनाने काम आती है, उसमें कहीं कोई डिफेक्ट रह गया तो उसको पता करने काम आती है। तो इसको उपयोग के लिए वीडियो देख लेते हैं हम, चलिए आप वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, देखिए देखिए आ गया सर, फ्रीक्वेंसी दैट है हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, पहली बात ही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी वो साउंड को क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक भी इसका नाम हो सकता है अल्ट्रासाउंड। देखिए इंडस्ट्रीज में और फॉर मेडिकल पर्पजेस में, दो तरह के उपयोग हो गए इसके, तो फैक्ट्रियों में और दूसरे चिकित्सा। पहले फैक्ट्रियों में देखिए, ये है क्रैक, कोई मेटल का ब्लॉक है, एक हमने लोहे का कोई ब्लॉक बनाया है और उसमें कोई क्रैक तो नहीं रह गया, उसको चेक करने के लिए करते क्या, समझिए ध्यान से, यहां से अभी देखिए ये इसमें कोई क्रैक है, ठीक है, इस हमें नहीं पता कहीं क्रैक है, हम यहां से हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे और यहां डिटेक्टर लगा देंगे, डिटेक्टर मतलब पता करेंगे कि ध्वनि कहां से आ रही है, तो ये जा रहा है जहां ट्रैक, जहां क्रैक था, जहां पर डिफेक्ट था उसमें, जहां कोई परेशानी थी, मतलब कोई कमी थी उसमें, वहां से ध्वनि परावर्तित हो गई और बाकी की ध्वनि पीछे के पीछे, देखो दोबारा देखो आप इसको, यहां तक ध्वनि जा रही है, यहां से ध्वनि आगे निकल गई और यहां डिटेक्टर संसूचक लगाए हुए हैं जो ये पता करेंगे कि कहां से ध्वनि आ रही है और कहां से ध्वनि नहीं आ रही है। तो इन दोनों जगह से यहां से तक तो ध्वनि आ रही है, इधर यहां तक ध्वनि, यहां तक पूरी पूरी आ रही है, लेकिन यहां देखिए परावर्तित हो रही ध्वनि, देखिए यहां इसमें डिफेक्ट था, मेटल ब्लॉक में कोई क्रैक आ गया, कोई भी बाल फंस गया, जब बनाया था कुछ भी बाल फंस गया, या वहां से उसके अणु ठीक से चिपक नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए, तो उस क्रैक से ध्वनि परावर्तित होकर के वापस चली गई और संसूचक तक नहीं पहुंची। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि यहां पर इसमें कोई क्रैक आ गया है। तो ये तो धातु ब्लॉक वाला इंडस्ट्रीज का देख रहे हैं हम, ये तो एक ये उपयोग हो गया इसका, ठीक है, किसी बड़े धातु के ब्लॉक में क्रैक का पता लगाने के लिए, वहां से ध्वनि परावर्तित हो जाएगी और आगे से ध्वनि परावर्तित नहीं होगी, ठीक है। अब चली रहा है इसमें यूज टू बी डिटेक्ट फ्लेम इन द फ्लॉज इन द मेटल्स, उसका लिखा हुआ है कि बड़े धातु ब्लॉकों में हम क्या कर सकते हैं, उनमें अंदर होने वाले दोष का पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो पार्ट्स होते हैं, अभी मैं बार बार बोल रहा था, ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम आसानी साफ नहीं कर सकते, स्पाइरल जैसे ये ऐसे घुमी हुई है, इसके अंदर हाथ जा सकता, कोई उपकरण जा सकता, और ये किसी मशीन के अंदर अंदर फिट है, तो इसको कैसे साफ करें, तो देखिए वही अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे,
यहां पर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, यहां से अल्ट्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, जिससे इस चीज इसमें जो भी गंदगी थी, जो धूल थी, वो इधर से उड़ उड़ करके और इधर आती चली जा रही है। पूरी तरह पूरा साफ हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए यहां पर तरंग उत्पन्न हो रही है और ये देखो धूल के कण ये गए इधर बाहर आ गए, साफ हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जिसको हम आसानी से साफ नहीं कर पा रहे हैं, उसको अल्ट्रासाउंड ध्वनि के द्वारा साफ। अब मेडिकल में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? हृदय की जो तरंगें होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए कि वो तरंगें ठीक प्रकार से उत्पन्न, इकोकार्डियोग्राफी, हृदय हमारा ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करते क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स उनके ऊपर डाली जाती हैं और उन वेव्स का रिफ्लेक्शन देखा जाता है कि ठीक प्रकार से वो रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखो यहां से ये अब होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है कि जो मादा के शरीर में शिशु का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है इस सोनोग्राफी के द्वारा। आपने खूब नाम सुना होगा सोनोग्राफी का, वहां पर भी इसी प्रकार की तरंगों का उपयोग करके और उसके विकास को देखा जाता है कि उसका विकास, शिशु का विकास ठीक प्रकार से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या होती है, सोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी बोला जाता है। यूएसजी डॉक्टर जब लिखता है तो यूएसजी लिखता है, सोनोग्राफी नहीं लिखता कभी, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है शिशु के समुचित और उसका पूर्ण रूप से विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला आता है इसके बाद कि कुछ तरंगें हैं, अभी देखो सोनोग्राफी के बारे में दिखाया जा रहा है किस प्रकार से स्क्रीन पर दिख जाता है, वहां वो कैमरा लगाते हैं पेट के ऊपर और यूटरस के ऊपर, वहां कैमरा लगाया जाता है और उस कैमरे से स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन पर दिख जाता है वो, उसकी डायमेंशंस को देख करके पता लगा लेते हैं कि ठीक से, देखो किस प्रकार से सोनोग्राफी की जाती है, दिखाई स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपकी पे। अब आती है मान लो कोई स्टोन हो गया किडनी में, स्टोन समझते हो पथरी, तो उस पथरी को निकालने के लिए भी इस प्रकार की किरणों का उपयोग किया जाता है। देखो यहां पर किरणें डाली और पथरी यहां से निकल करके बाहर आ गई। तो ये तो थे इसके उपयोग थे कुछ, ठीक है। तो उपयोग, सबसे पहला उपयोग हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट उपयोग था कि जो धातु के ब्लॉक थे, धातु के बड़े बड़े ब्लॉक थे, उन धातु के बड़े बड़े ब्लॉकों में कोई डिफेक्ट रह गया, कोई कमी रह गई, कोई दोष उत्पन्न हो गया, उस दोष का पता लगाने के लिए। अब मान लो उसमें दोष था, क्रैक था, अब हमने उसको किसी पुल में लगा दिया, कोई बड़ा पुल बना उसमें लग गया, तो पुल में लगाने से क्या होगा कि उस क्षति पहुंच सकती है उस पुल को, वो पुल हो सकता है ज्यादा दिन तक ना टिके, हुआ ना नुकसान। और क्या हो सकता था कि हमने घर में लगा लिया तो वहां भी हानि पहुंच सकती है, घर में भी नुकसान हो सकता है उसका, ठीक है। तो ये पहला उपयोग तो ये था। दूसरा उपयोग हमने इसमें क्या देखा कि वस्तुओं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जहां पर आसानी से हाथ नहीं पहुंच सक रहा या किसी मशीन के अंदर लगी हुई हैं और वहां तक हम उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं और उसके अंदर गंदगी जम गई जिससे वो ठीक से काम नहीं कर रही है, अब वहां पर साफ करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड किरणें, अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगों को वहां तक भेजा जाएगा, ध्वनि तरंगें वहां जाएंगी। और अभी हमने देखा वीडियो में, आपने देख ही लिया था पूरा का पूरा। और इसके बाद था अगला ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये क्या होता है कि हृदय की धड़कन, हृदय अपना ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी हृदय धड़कन होती है, तरंग उत्पन्न होती है, वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका पता लगाने के लिए हमने उसको उपयोग में किया लिया जाता है। इसके बाद होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी मादा के शरीर में शिशु का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उपयोग, उसके लिए सोनोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसमें भी कौन सी तरंगें काम आ रही है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कोई छोटी मोटी पथरी हो गई, छोटी छोटी पथरी बारीक कणों को उसको तोड़ना है तो उसको तोड़ करके भी हम इसमें अल्ट्रासाउंड किरणों का उपयोग। अगला देखिए चमगादड़। चमगादड़ जब उड़ता है, आप देखें ध्यान से, चमगादड़ उड़ता हुआ आ रहा है, मान लो चमगादड़ है, हमने मान लिया भाई, अरे मार्कर है मुझे ही पता है, लेकिन हमने मान लिया चमगादड़ है, ये उड़ता हुआ आ रहा है इधर से यूं, ठीक है। जब उड़ता हुआ आ रहा है और सामने दीवार है तो आप देखते होंगे कि दीवार से थोड़ा सा पहले ही वो तुरंत मुड़ जाता है, वहां से वो दीवार से टकराता नहीं है। तो ये क्या है, चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न कर रहा है। जब चमगादड़ की जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उन तरंगों के द्वारा क्या है, वो तरंगें जो गई और वो परावर्तन के
पहले इससे परावर्तित होकर के वापस आ जाती हैं और उसको सुनाई दे जाती हैं। जब चमगादड़ को तरंग सुनाई दे जाएंगी तो वो उससे टकराएगा नहीं, और उससे टकराएगा नहीं तो आराम से उड़ सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकता है। तो ये उपयोग थे, और उपयोग के बाद आप इसको और लिख लें एक बार, जिससे आपके पास अंग्रेजी का वर्जन भी रहेगा, इंफ्रासाउंड ऑडिबल अल्ट्रासाउंड, और सबकी हिंदी भी लिखी हुई है यहां पर, ठीक है। तो ये आपको ठीक से याद हो जाएगा। जिससे चलिए हो गया, अब आता है हमारा अगला टॉपिक, आता है इसमें सोनार। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार देखिए, सबसे पहले सोनार को समझने के सबसे पहले आप वही वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा ये। तो सोनार देखिए, आप स्क्रीन पर आ गया, आपकी पे वीडियो आ चुका है स्क्रीन पर, और अब आप देखिए साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। थोड़ा सबसे पहले आप पूरा नाम लिख लें इसका, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अब देखिए है क्या चीज ये, सोनार क्या होता है, अब सारा समझाया जाएगा इसमें। देखिए ये बाहर जहाज है समुद्र के ऊपर, पानी का जहाज। यहां पर दो चीज होती है, एक तो ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने वाला यंत्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करने वाले यंत्र, ठीक है। और दूसरा होता है यहां पर संसूचक, जो ध्वनि तरंगों को क्या करता है कि वापस जब मिलेंगी तो उनको संसूचित कर लेगा। तो इसको तो बोलते हैं प्रेषक, इसको बोलते हैं संसूचक। अब हमें पता करना है कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई पर पनडुब्बी है, या कोई इस समुद्र का तला कितनी गहराई पर है, कोई वनस्पति की हमें इसका अध्ययन करना है, तो इसका उसकी स्थिति पता लगा सकते हैं हम। देखो कैसे, यहां से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी, ये जा रही हैं और सतह से टकरा करके वापस आ रही है, प्रेषक से गई और वापस आ गई संसूचक तक। तो यहां से जाकर के संसूचक आ गई। अब उसका समय हम घड़ी में नोट कर लेते हैं कि कितनी यहां से गई और वापस आने में कितना समय इसने लिया, प्रेषक से और संसूचक तक वापस जाकर के वापस आने का समय नोट कर लिया। समय नोट करने के बाद जल में ध्वनि का वेग हमें पहले से ही पता होता है। अभी देखिए डेप्थ ऑफ यूजिंग सोनार, मतलब गहराई, उसकी गहराई कैसे पता करेंगे इसके लिए, ये देखिए टाइम। अब यहां टाइम नोट किया गया है, यहां से गई और वापस आने में समय लगा 6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, ठीक है। अब ध्वनि का वेग पूरी गणना की जाएगी। अभी देखिए इस वीडियो में ही स्टार्टिंग टाइम 0 और एंड टाइम 6, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड का टाइम हो गया उसको लिए हुए, ठीक है। अब पानी में समुद्र पानी में ध्वनि का चाल 1500 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना लिया गया, 6 सेकंड। अब देखो हमें पता है दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितनी थी इसमें, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूं इसी चीज को आपको। ये देखिए यहां से समय लगा 6 सेकंड का, डिस्टेंस हमें पता करनी है, दूरी पता करनी है, ठीक है। तो उसको जाकर के ये तो क्या हो गई उसकी स्पीड हो गई, और ये हो गया उसका समय, ठीक है। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, तो 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड उसकी समुद्र में समुद्री जल में चाल, और ये उसका हो गया समय। अब टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी आ गई 900 मीटर। तो आप एक बार इसको लिख लें फिर